आप आएंगे नहीं तो कैसे बहस मिल अरे जाएगी। सर, जब तक हम आते तब तक आपने ऑर्डर कर दिया था। जब हम बहस करते हैं तब तो हमारी आर्गुमेंट एक भी नहीं लिखी जाती सर। ऐसा आप एफिडेविट दे दीजिए कि मैं आपका आर्गुमेंट नहीं लिखता हूँ। सर मैं दे दूंगा हाँ एफिडेविट, एफिडेविट दे दीजिए, लिख दीजिए एफिडेविट दे एफिडेविट दो, वो उसका केस नंबर लिख दीजिए आप। एफिडेविट दे दीजिए, तो मैं सर लिख लूंगा। इसमें ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा ऑर्डर कर दीजिए जुडिशियल कि मेरे मुकदमे आप न सुने। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं सॉरी ऐसा कर दीजिए ना नहीं साहब, नहीं जिसमें हमने मेरिट में 2.5 घंटे बहस करी, आपने 2.5 लाइन नहीं लिखी हमारी। ठीक है। आप नहीं कूल कूल माइंड से सुनिए नहीं कूल प्लीज। माइंड से मैं बोल रहा हाँ हूँ प्लीज सर। एक बात सुनिए। आपने एलिगेशन लगाया कि आपकी बहस नहीं लिखी जाती, हाँ नहीं मैंने लिखी कहा ये जाती। एफिडेविट दे दीजिए। इन दिस केस आई फाइल रिव्यू हो रहा है बताइए ऑर्डर पास बाय योर लॉर्डशिप इज एक्सपायर्ड विदाउट हियरिंग मी एंड मे आप नॉट आए थे बी। क्या? नहीं हम उस दिन आए थे 18 बजे, जब तक आते तब तक ऑर्डर हो चुका था। उस दिन केस लगा था रिजॉइंडर के लिए, रिजॉइंडर टेकन नॉट रिकॉर्ड की, और जब फिर तक रिलीज बिल्कुल करते थे। टेक्निकली चलेंगे, फिर जिस चीज के लिए केस लगेगा वही सुनेंगे, फिर हाँ आगे सुनेंगे ही नहीं किसी भी केस हाँ को, बिल्कुल मैं सुनू, कोई दिक्कत आपके नहीं नहीं। सभी के। हाँ सभी का, हम तो सोच रहे सिर्फ हमारे ना सुने तो ही अच्छा है। तो इसमें सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 8 में कहा है, क्या कहा है 2002 पैरा 8 में, कौन में, ये सा जजमेंट है दीजिए? एक्स पार्टी मेरिट पे डिसाइड नहीं हो सकता। अच्छा क्या कहा है? तो सेकंड अपील के लिए कहा है? नहीं उसमें प्लेंटिव डिफेंडेंट है सर, नहीं उनको नहीं हाँ अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग तो मिलना सेकंड, चाहिए ना। हाँ ये सेकंड अपील के लिए कहा है। चलिए आपका क्या था, ये रिट पिटीशन थी? हाँ हमारे रिट पिटीशन हाँ थी, हमने सुपरनिवेशन चैलेंज किया था कि हमको 65 जाना चाहिए इन व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाँ ऑर्डर्स। तो जी, उसमें हमको पूरी बहस करने मिली नहीं। आप आएंगे नहीं तो कैसे बहस मिल अरे सर जाएगी? जब तक हम आते तब तक आपने ऑर्डर कर दिया था। जब हम बहस करते हैं तब तो हमारी आर्गुमेंट एक भी नहीं लिखी जाती पिटीशन में। ऐसा आप एफिडेविट दे दीजिए कि मैं आपका आर्गुमेंट नहीं लिखता हूँ। सर मैं दे दूंगा हाँ एफिडेविट, एफिडेविट दे दीजिए, लिख दीजिए एफिडेविट लिख दे दो, वो उसका दीजिए। केस नंबर लिख लीजिए आप, केस नंबर लिख लीजिए नहीं नहीं WP आप सिक्स फोर एफिडेविट, नाइन वन सिक्स फोर नाइन वन 2012। आप एफिडेविट दे दीजिए, तो मैं सर लिख लूंगा। इसमें ऐसा कर दीजिए, हाँ आप ऐसा ऑर्डर कर दीजिए जुडिशियल कि मेरे मुकदमे आप न सुने। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं सॉरी ऐसा कर दीजिए ना नहीं साहब, नहीं जिसमें हमने मेरिट में 2.5 घंटे बहस करी, आपने 2.5 लाइन नहीं लिखी हमारी। ठीक है, आप एफिडेविट दे दीजिएगा, लिखिएगा। श्री प्रवीण कुमार वर्मा प्रेस फॉर टाइम टू फाइल एन एफिडेविट एंड ऑन इज रिक्वेस्ट। कितने समय में देंगे एफिडेविट? आय का एफिडेविट देने को सर। आपको जो लिखना है लिखिएगा, उसमें मैं कैसे नहीं आपको बता सकता हूँ? आप बोल रहे एफिडेविट देने को, मेरे को तो कोई जरूरत नहीं आपने है आपने रिक्वायरमेंट की। आर्ग्यू आपने बोला कि मैं नहीं आपकी बहस नहीं आपने कहा लिखता। कि एफिडेविट दे देंगे, अरे तो मैंने कहा आपने सर दे आपने देंगे। आर्ग्यू आपने नहीं नहीं एलिगेशन आप, लगाया। नहीं एक नहीं नहीं सेकंड नहीं प्लीज, सर, देखिए एक सेकंड, नहीं कूल कूल माइंड से सुनिए नहीं प्लीज। कूल माइंड से मैं बोल हाँ रहा हूँ प्लीज सर। एक बात सुनिए, आपने एलिगेशन लगाया कि आपकी बहस नहीं लिखी जाती, हाँ नहीं मैंने लिखी कहा ये जाती एफिडेविट दे दीजिए आप। कि मेरी बहस नहीं लिखी, सिर्फ हाँ एक पर्टिकुलर केस की बात हो रही है सर। नहीं नहीं एक पर्टिकुलर नहीं केस सर की ऐसा नहीं, नहीं, WP नंबर 6491 2012। नहीं नहीं उसमें फिर रिव्यू लगाइएगा आप, उसमें रिव्यू लगाइएगा, ऐसा नहीं होता है वकील नहीं साहब। नहीं नहीं ऐसा नहीं सर, ये सब ऑनलाइन चलता है, हाँ ठीक है, ऑनलाइन चलता है, आप देख लीजिए। मैंने 6 बजे शाम तक बहस की है और मेरे आधा मतलब 2.5 लाइन भी नहीं लिखी आप है। उसमें अगर आपका पॉइंट कोई छूटा है तो आप प्लीज उसमें रिव्यू लगाए। देखिए एक बात नहीं सुनिए, सर वो वाला केस जाने हाँ तो दीजिए, उसको वो छोड़िए, इस केस की बात करिए नहीं क्या? हाँ उसको जाने दीजिए, उसमें हमने रेड अपील लगा हाँ रखी है। लगाइए। हाँ इस केस में मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ आप मेरी बहस सुन लेते, उसके बाद आप ऑर्डर कर देते, इसमें उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग तो मिली नहीं मेरे क्लाइंट को। ठीक ठीक है ठीक है ठीक तो इसमें मुझे, इसमें तो क्लाइंट ने एफिडेविट दिया कि हमको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं मिली। ठीक है, मैं इसको डिसाइड कर दूंगा। आपने ये जजमेंट लगाया सुप्रीम कोर्ट का, हाँ इसको लगा। और कुछ बताना है? पॉइंट्स बता नहीं दीजिए, बस इससे मैं इतना नोट कर है कि लेता हूँ मेरा ये कहना है कि जी। अपॉर्चुनिटी एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं बिना हियरिंग के पिटिशनर के, ठीक वे है, एक्स पिटिशनर को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलना चाहिए एक्स पार्टी ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड। इन व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एज पर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन द हाई कोर्ट। ठीक है, एक सर लिख लूं मैं आपका हाँ सर पॉइंट, लिख लीजिए। ऑर्डर कैन नॉट बी पास विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। इसमें पैराग्राफ 3 देखे सर, इसमें लिखा है दैट व्हेन द केस वाज लिस्टेड ऑन एक 17 सेकंड, आपका मिनट थोड़ा इतना तो सर। धैर्य रखेंगे कि नहीं है आप? नहीं सर मेरे को तो धैर्य, हम लोग तो धैर्य के लिए आते हैं सर, हमारी बहस सुनी जाए बस, रिजल्ट जो भी हो पर हमारी बहस तो सुनना हाँ चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कौन से पैरा 8 ऑफ दिस जजमेंट? अजीत कुमार सिंह, ठीक,
इसमें पैरा तीन में हमने रीजन दिए हैं सर, देख लिए पैरा थ्री ऑफ द पिटीशन रिव्यू में बताइए द केस वॉज लिस्टेड ऑन 17/1/2023। आप इतने सीनियर हैं, इतना तो ध्यान रखिए कि मैं उस पेज तक तो पहुंच पाऊं। आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो मैं कैसे उस पेज पर पहुंचूंगा, इतना तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। पैरा तीन, हाँ पैरा तीन देखिए, पेज नंबर थ्री। हाँ पढ़िए। दैट देन द केस वॉज लिस्टेड ऑन 17/1/2003 इन, ये मोशन होना चाहिए। हाँ लिखा पैरा तीन में आपने, पैरा तीन है दैट द नो फाइनल ऑर्डर कैन बी पास विदाउट हियरिंग द पिटीशनर। नहीं सॉरी सर, आप सॉरी बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, डिफॉल्ट के लिए लगाते हैं देखिए सर इसमें, बट वो फिर हमारे जूनियर ने सुधारा होगा। ये पैरा स्टार्ट होता है दैट देन द केस वाज लिस्टेड ऑन 17/1/2023। सर उसके बाद पेज पे पढ़ रहे हैं, पेज नंबर बता दीजिए सर। इसमें तो मुझे नहीं मिल रहा दैट देन, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसमें ये पैराग्राफ टू चालू होगा सर, बट से बट द रिस्पोंडेंट डिड नॉट पैराग्राफ नंबर पैरा टू मैं पहले से पढ़ देता हूँ सर। दैट द पिटीशनर पूरे 47 रूल 1 की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं आप, कुछ और पढ़ रहे हैं? नहीं वही पढ़ा, वही पढ़ा। आपकी एप्लीकेशन पर जो है मुझे बट से भी एक पैराग्राफ चालू, हाँ वो मिस्टेक हो गया था। मैं तो यही पढ़ूंगा ना जो मेरे सामने है। हाँ हाँ नहीं उसको हमने करेक्ट किया है। कहाँ है देखिए ना आप, करेक्ट बता दीजिए फिर मेरी गलती बताएंगे आप। नहीं नहीं आपकी गलती क्यों बताएं, गलती तो हम लोग से होती है ना। नहीं नहीं गलती हमसे भी होती है, हम भी इंसान है। बताइए कौन सा पैराग्राफ है बट से? ये दो लिखा हुआ है, ये दो दो है, दो के नीचे ये जो पेन से लिखा हुआ वो पैराग्राफ, दो के नीचे पेन से लिखा हुआ, पेन से लिखा हुआ, दो हाँ। दो ही लिखा है सर। हाँ, that then. हाँ, that then. The case was listed on 17/1/2023 in the motion hearing number 63, मदर हीरिंग है, मोशन होना चाहिए सर। 17/1/2023 was not fixed for date. That by that time the counsel of the petitioner reached the honorable court, the petition has been dismissed finally without hearing or giving opportunity of hearing to the petitioner. डील करते हैं, चलिए। यस सर, थैंक यू। और कुछ बताना है आपको? बस इतना ही। तो ऑर्डर मस्ट बी रिव्यू लॉर्ड एंड हमको फाइनली सुन ले, जो जब सुनना जब सुन ले, अभी सुनना मैं अभी बहस करने को तैयार।